बाकायदा सरकार को पहुंच गई है। पूरी बात कहेंगे जिस प्रकार से मंडी, सुंदरनगर, ऊना, इन तीन जगहों पर पेपर लीकेज को लेकर जिस प्रकार से चर्चाएं हुई, राज्य सरकार ने SIT का गठन कर दिया, उस टीम की रिपोर्ट सरकार को आ गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि बड़े स्तर पर यह पेपर लीक नहीं हुआ था, सिर्फ इस पेपर की 1.5 घंटा पहले फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कैंडिडेट को भेजी गई थी। लेकिन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को, जो कि उसकी एक दोस्त थी, कोई महिला दोस्त थी, उसे भी ये पेपर मोबाइल के माध्यम से दूसरी जगह भेजा था। यानी कि जो पहले आशंकाएं लगाई जा रही थी कि सिर्फ एक निजी विश्वविद्यालय के क्लर्क को वहां काम करने वाले स्टूडेंट ने पेपर लीक किया था, भेजा था, लेकिन अब खुलासा यह हुआ है कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी, अपनी महिला दोस्त को भी यह पेपर भेजा गया था। यह पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है। इन तमाम रिपोर्ट्स के बाद अब इस पर CS ने मीटिंग बुलाई है। आज शाम या कल सुबह तक इस पर फैसला हो सकता है। बड़े स्तर पर जो आरंभिक रिपोर्ट पुलिस की मानी जाए, उसमें सरकार का यह मानना है कि पूरा पेपर हिमाचल प्रदेश में रद्द करना गलत होगा। 1,10,000 के करीब कैंडिडेट्स ने यह परीक्षा की थी, इतने स्तर पर इस पेपर को लीक करना गलत निर्णय होगा। ऐसे में दो टेंटेटिव जो मुद्दे रखे गए हैं जिस पर फैसला हो सकता है। नंबर 1, क्या इन तीन परीक्षा केंद्रों का पेपर रद्द कर दिया जाए, जिस परीक्षा केंद्र में फोटो खींचा गया था, जिस परीक्षा केंद्र के कैंडिडेट को उसका बाकायदा पेपर भेजा गया था, और जिस महिला कैंडिडेट को यह पेपर भेजा गया था, क्या इन तीन परीक्षा केंद्रों का पेपर ही रद्द किया जाए, या फिर इन तीन कैंडिडेट का कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाए, इनकी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। इनमें दो में से एक फैसला होना है। लेकिन मोटे स्तर पर सरकार ने यह तय कर लिया है कि JIT 939 का परीक्षा पूरे प्रदेश में रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि जो एविडेंसेस आए हैं, जो डिवाइस के आधार पर एविडेंसेस आए हैं, जितना भी मोबाइल का डाटा खंगाला है SIT की टीम ने, सिर्फ अभी तक एविडेंस दो कैंडिडेट्स को पेपर जाने के मिले हैं, तीसरा इसमें इन्वॉल्व जरूर था। इसी के चलते अब ये देखा जा रहा है कि इन तीन कैंडिडेट का ही पेपर रद्द किया जाए या तीनों परीक्षा केंद्रों का पेपर रद्द कर दिया जाए। इतना सरकार तय कर चुकी है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में JIT का 939 का पेपर रद्द नहीं किया जाएगा। पुलिस भर्ती मामले में चौंकाने वाला फैसला सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सरकार जांच का दायरा बदल रही है, सरकार इसमें SIT की बजाय दूसरी एजेंसी को जांच दे रही है, इसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। SIT में हालांकि बेहद ऐसे शालीन और बेहद ऐसे जबरदस्त अफसरों को डाला गया जिनकी काबिलियत को लेकर सरकार को भी पता है कि ये बिल्कुल डायनेमिक ऑफिसर हैं और अच्छी दिशा में ये जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल जनता के जहन में उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस प्रकार की पोस्ट वायरल हो रही है कि 2 दिन के भीतर रात के अंधेरे में तपोवन में खालिस्तान के झंडे लगाने वाला, दीवारों पर खालिस्तान लिखने वाला पंजाब में पकड़ा गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के भीतर बैठा वो शख्स क्यों नहीं पकड़ा गया जिसने पुलिस भर्ती का, कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक किया था। आखिर SIT की टीम उस शख्स तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई, इसे लेकर से कई सवाल उठ रहे हैं। और इन तमाम फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उच्च अधिकारियों को 2 टूक निर्देश दिए हैं कि आप जांच एजेंसी बदलनी होगी, हम किसी भी तरह की जांच एजेंसी से इस पूरे मामले की कार्रवाई को करवाना चाहते हैं, जो इस मामले में दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब जो प्रपोजल राज्य सरकार के बन रहे हैं, सबसे पहला प्लान सरकार का SIT को हटाकर, इतना तय है कि हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार इस पुलिस लीक भर्ती मामले को लेकर SIT की टीम को हटाएगी, नई जांच एजेंसी को ऐड करेगी। सबसे पहला विकल्प सरकार के पास CBI होगा। क्या ये जांच CBI को दी जाए? हालांकि कई लोगों का यह भी मानना है कि गुड़िया कांड की जिस प्रकार से CBI को जांच दी गई, उसमें क्या इनपुट निकले, उसके नतीजे क्या रहे, उसे लेकर भी लोगों के अलग अलग रिएक्शन है। दूसरा, हाई कोर्ट के सिटिंग जज को इसकी जांच दी जाए। तीसरा, हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसकी जांच दी जाए। चौथा, सेक्रेटरी होम जो कि ब्यूरोक्रेट है उनको इसकी जांच दी जाए। पांचवा, कोई राज्य सरकार का सीनियर ब्यूरोक्रेट। ये 5 ऐसी जांच एजेंसियों पर राज्य सरकार विचार कर रही है जिसे जांच का जिम्मा दिया जाना चाहिए, और सरकार यहां पर CBI से भी जांच करने की तैयारी कर रही है, ये अपने दर्शकों को हम जरूर बताएंगे। लेकिन जो चौंकाने वाला फैसला आ सकता है, हिमाचल प्रदेश
कांग्रेस की सरकार फिर दोबारा नए सिरे से इस परीक्षा भर्ती को करवाएगी। इसी महीने के अंत तक ये परीक्षा भर्ती हो सकती है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन ये भर्ती फिलहाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को नहीं दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश की पुलिस फिर नए सिरे से इस भर्ती को अपने स्तर पर करेगी और इसका पेपर भी खुद पुलिस सेट करेगी, एग्जाम को कंडक्ट भी पुलिस करेगी। ये चौंकाने वाला फैसला हो सकता है क्योंकि इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अगर हकीकत में हिमाचल प्रदेश पुलिस इस परीक्षा को कराती है तो लोगों का क्या विश्वास इस पर बन पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसके पीछे अब तर्क है कि अगर इसकी पुलिस परीक्षा की पूरी भर्ती का जिम्मा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को दिया जाता है, इसमें एक साल का वक्त लग सकता है, साल से छह महीने का वक्त लग सकता है। अगर पुलिस अपने स्तर पर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है तो ये जल्द से जल्द यानी कि इसी माह ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है और जल्द हिमाचल प्रदेश में जो खाली पद है, जिन पदों के लिए भर्ती हो रही थी, इसकी प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। लेकिन क्या दोबारा पेपर सेट पुलिस करेगी, दोबारा एग्जाम कंडक्ट पुलिस करेगी, तो क्या हम हिमाचल पुलिस से पारदर्शिता से या पूरी तरह से ही हम उम्मीद लगाएंगे कि दूसरी बार इस प्रकार की वारदात नहीं होगी, दूसरी बार पेपर लीक नहीं होगा। यह अलग बात है कि सरकार ने संबंधित अफसरों को बदल दिया है जो कि पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारी तैनात थे, जिन पर इस पूरी भर्ती का जिम्मा था, उन्हें अब उन पदों से हटा दिया गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इसमें क्या फैसला लेती है, क्योंकि मोटे स्तर पर पुलिस लीक भर्ती मामले में दो बड़े इनपुट है हमारे पास। जांच एजेंसी बदलेगी, एसआईटी के अलावा दूसरी जांच एजेंसी को इसका दायित्व सौंपा जाएगा। नंबर दो, हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती नए सिरे से पुलिस को सौंपने की तैयारी यहां पर चल रही है। बात करेंगे शास्त्री भर्ती को लेकर, क्योंकि यहां पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। पुराने जितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि लंबे समय से अपनी नियुक्ति के इंतजार में बैठे हैं, उनके लिए कैबिनेट में एजेंडा लाया गया था, कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुकी है इस आधार पर। अब राज्य सरकार हाई कोर्ट का रुख कर रही है और इसमें हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर रही है कि हम जितने भी शास्त्री हैं उन्हें हमने टीजीटी का पदनाम दे दिया है और बिना बीएड वाले शास्त्रियों को जो पुराने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें नियुक्ति दी जाए। इसके लिए कोर्ट में लगे स्टे को हटाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बाकायदा एफिडेविट देने की तैयारी कर ली है कि हम चाहते हैं कि कम से कम बिना बीएड वाले जितने शास्त्री पुराने हैं उन्हें हम नियुक्ति दे दें। इसकी गुहार हाई कोर्ट से लगाई जा रही है ताकि स्टे हट जाए और इन्हें नियुक्ति मिल जाए। अब